अच्छा जी, सलाम अलैकुम। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो कि गैप है, अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि हमारे यहाँ हज़ारों लाखों बिजनेसेस हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। बच्चे जो हैं OLX पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे पेजेस बना रहे हैं, लोग फेसबुक पे पेजेस बना रहे हैं, वेबसाइटें बनाई हुई हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, बगड़म बगड़म बहुत सारे लोग, टेलीफोन के नंबर्स उनके पब्लिश्ड हैं डिफरेंट जगहों पर, पर्चे छपे हुए होते हैं, अखबारों में कटिंग्स आती हैं, फिर वो अखबारों के क्लासिफाइड ऑनलाइन आ जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, OLX, क्रेगलिस्ट, ब्लॉगिंग, इनके ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। डेटा अवेलेबल है कि जी मेरे से आप पेंटिंग करा लो, मेरे से स्कल्पचर बना लो, मेरे से रंग करवा लो, मेरे से कपड़े बना लो, मैं दर्जी हूँ, मैं कारपेंटर हूँ। जमाल जेलो पेजेस में डेटा अवेलेबल है, फ़ोन बुक के पास डेटा अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे डेटा स्कैटर्ड हुआ पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 45 हमारे पास जो 110 या 45 FPCCI दोनों में से एक भी नंबर है मुझे सही याद नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स की साइटें हैं, उस पे पुराना डेटा पड़ा हुआ है कि जी ये हमारा मेंबर था, ये मेंबर था। EPB की साइट पे डेटा पड़ा हुआ है कि हमारा मेंबर था, ये हमारा मेंबर था। सो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो इस सारा डेटा को स्क्रैप करके ले आए। स्क्रैप करना कहते हैं खुरचना, और खुरच कर डेटा ले आए। ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये पहले मुश्किल थी, अभी बहुत आसान हो गई है। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं उसके अंदर, और आप अपने डेटाबेस के अंदर ये सारा डेटा भर देंगे, और उस डेटाबेस को भरने के बाद हम ये सारा डेटा ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करके डाल देंगे, और उसके अंदर मैं इंसानी हाथ एक भी नहीं चाहता हूँ पूरे प्रोसेस में। मैं चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग यूज़ करें और डिफरेंट कैटेगरीज वो खुद ही बनाता चला जाए और सजेस्ट करता चला जाए, मर्ज करता चला जाए। 50 से ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए शुरू में, आगे जाके वो आगे चला जाएगा। ये एक किस्म की येलो पेजेस भी बन जाएगी, ये एक किस्म की येल्प भी बन जाएगी, और ये डेटा अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत अवेलेबल है, लेकिन हाँ गूगल मैप्स पे भी डेटा अवेलेबल है। तो ये सारा डेटा जो है आपस में लिंक्ड नहीं है, और लिंक्ड ना होने की वजह से अभी सब खचल ख्वार रहते हैं, यार मैंने ये काम कराना है, किससे करवाऊँ। तो ना उसकी रेटिंग अवेलेबल है उस बंदे की, और ना ही हमारे पास वो डेटा एक्चुअल में अवेलेबल है। और हो सकता है ये डेटा कुछ हद तक येल्प के ऊपर भी अवेलेबल हो, पाकिस्तान का डेटा भी बहुत सारों ने येल्प पे डाला होगा, लेकिन सारा इकट्ठा एक जगह नहीं है। तो इट्स अनगूगलेबल या अनफाइंडेबल, इट्स वेरी फ्रैगमेंटेड। और फिर लोगों के मोबाइल के जो नंबर्स हैं वो ट्रू कॉलर के ऊपर सारा डेटा वहाँ पड़ा हुआ है, और वहाँ से भी डेटा निकाला जा सकता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डेटा हैं जो कि हम मुझे जमा करवानी है, और जमा कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा डेटा हम एक वेबसाइट पर और एक ऐप के अंदर अवेलेबल कर दें। तो अगर आप किसी को ये जानते हो कि जो ये ऐप बना सकता हो, ये सर्विस बना सकता हो, तो काइंडली मुझे इसके फेजेस में, चार फेजेस में मुझे इसका प्रपोजल बना दें, और उसकी कोटेशन दे दें, और मुझसे पैसे ले लें, और ये ऐप बना दें। एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसको करने के लिए, फ़ंड के ये काम हो जाए तो हमारी या मेरी कम से कम ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कि मुझे जो भी काम कराना है, वो अभी मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि ये मैं काम किससे कर रहा हूँ। और इसलिए अगर कोई ये मुझे डेवलप कर दे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि ये कोई बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना ही कहना था। थैंक यू।